यूपी में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। कुशीनगर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने पहले तो महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन जब महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो बेखौफ बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित परिवार के झोपड़े को आग के हवाले कर दिया। घर वाले जाकर बोले कि वो हमारे भाभी को छेड़ रहे थे उधर में, तो हम लोग गए वहाँ से, तीन आदमी गए, पिताजी और माताजी और दो भाई, वहाँ पकड़ के मारने लगे सर। और उसके बाद हम आए, प्रधान जी से बोले, प्रधान जी चलिए थाने पर गए, तो वहाँ रपट लिखवा कर आए, तब तक घर में गए तब तक ये जला। सूचना मिल चुकी है और पुलिस टीम हम रामकोला थाने पर इस समय मौजूद हैं, और रामकोला थाने की पुलिस सूचना के बाद से गांव में इस समय जा रही है और देखना होगा जो दबंग इनके हाथ आते हैं या नहीं। सूर्य प्रकाश राय, ईटीवी भारत, कुशीनगर।